जिसे हम करते हैं मास्टर इन्फॉर्मेशन ब्लॉक और सिस्टम इन्फॉर्मेशन ब्लॉक। ठीक है, तो जब यूई फर्स्ट मैसेज आपका बीसीसीएच चैनल के थ्रू मास्टर इन्फॉर्मेशन ब्लॉक गेट करता है, तो इसमें क्या इन्फॉर्मेशन जाती है, बैंडविड्थ की और पीएचआईसीएच मीन्स एक हाइब्रिड हाइब्रिड हार्प की आइडेंटिटी जाती है इसमें। हैक मतलब आपका जो भी हो एरर करेक्शन होता है। ठीक है, तो ये एलटी की सारी चीजें, तो एलटी की चीज में फोकस नहीं करूंगा, मेन चीज में वोल्टी के क्या अटैच में वोल्टी के क्या चीजें इंक्लूड हो रही हैं उस चीज पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा। ठीक है, एलटी का मैं ओवरव्यू सिर्फ दूंगा कि अटैच कैसे होता है। ठीक है, तो एमआईबी क्या करता है, बैंडविड्थ इंफॉर्मेशन कैरी करता है और पीएचआईसीएच कैरी करता है और शिप की शेड्यूलिंग करता है। ठीक है, सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक की शेड्यूलिंग करता है। ये सारी इंफॉर्मेशन मास्टर इंफॉर्मेशन ब्लॉक में कंटेन करता है। ओके, सो उसके बाद सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक, सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक जो है नेटवर्क ब्रॉडकास्ट करता है। ठीक है, अभी तक यूई आपने स्विच ऑन किया तो अभी तक यूई सिर्फ रिसीव कर रहा है। ठीक है, सिर्फ रिसीव करता है, पहले पहले यूई क्या करता है, मैसेज को रिसीव करता है। पहले मास्टर इंफॉर्मेशन ब्लॉक रिसीव करता है, सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक रिसीव करता है। ठीक है, सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक कई तरह के होते हैं, जैसे सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक वन, सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक वन क्या करता है, पीएलएमएन आइडेंटिटी कैरी करता है। पीएलएमएन आइडेंटिटी क्या होता है कि नेटवर्क की मोबाइल कंट्री कोड क्या है, नेटवर्क कोड क्या है, ठीक है, ट्रैकिंग एरिया कोड क्या है, ये सारी आइडेंटिटी जो है सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक वन कैरी करता है। ठीक है, इसको सिप वन, नॉर्मली हम सिप वन बोलते हैं। ठीक है, तो सिप वन पीएलएमएन आइडेंटिटी कैरी करता है, सेल इंफॉर्मेशन कैरी करता है। ठीक है, ये सारी चीजें सिप वन में कैरी होती है। ठीक है, उसी तरह सिप टू होता है, विवेकानंद साउंड इज नॉट कमिंग, बाकी सबको आ रही है क्या साउंड? प्रकाश साउंड आ रही है क्या? हेलो सुशील, यू कम प्लीज रीजन योर, ओके ही विल रीजॉइन देन मे बी कनेक्टेड, सो लेट मी कंटिन्यू। सो एज यू नो सिप टू जो है, सिप टू क्या करता है, एलटी टाइमर को कैरी करता है। ठीक है, एलटी टाइमर क्या होता है, जो जो भी जिसे आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट जाता है कितने टाइम में कंप्लीट होना है। ठीक है, इसका एक अलग अलग टाइमिंग होती है, T300, T301, T302, ये सारी टाइमिंग होती है। तो टाइमिंग के बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस आपको इतना बता दूं कि ये एलटी टाइमर को कैरी करता है शिफ्ट टू। ठीक है, फिर एक्सेस वायरिंग, एक्सेस वायरिंग मीन्स किस किस फैसिलिटी के लिए एक्सेस देना है, किस चीज के लिए एक्सेस नहीं देना है, और गोइंग कॉल के लिए एक्सेस देना है या इनकमिंग कॉल के लिए एक्सेस देना है, या फिर जो भी चीजें मान लीजिए रोमिंग है, रोमिंग के लिए एक्सेस देना है नहीं देना है। ठीक है, या फिर होता है कि जैसे इमरजेंसी कॉल है उसको एक्सेस करना है या बार करना है, ये सारी चीजें, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है सिप टू में जाती हैं। ठीक है, तो ये मेन तीन चीजें जो है ये नेटवर्क हमेशा ब्रॉडकास्ट करता रहता है। ठीक है, जब हैंडओवर का कंडीशन आता है तब सिर्फ थ्री ब्रॉडकास्ट करता है। ठीक है, तो और बाकी अलग अलग कंडीशंस में कई सारे सिर्फ मैसेज जो है ब्रॉडकास्ट होते हैं नेटवर्क से, जो आप अलग से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी जो इम्पोर्टेंट है इसके लिए मैं वो आपको कवर कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो
आपने अभी देखा MIB में क्या है, बैंडविड्थ सेंड करता है, SIB A1 क्या करता है, PL1 आईडेंटिटी सेंड करता है, ठीक है। अब SIB2 क्या करता है, टाइमर सेंड करता है, और एक्सेस बारिंग इंफॉर्मेशन और फ्रेम फ्रेम इंफॉर्मेशन भी ये सेंड करता है, ठीक है, फ्रेम शेड्यूलिंग करता है। ओके, उसके बाद यूई जब ये सारे इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, उसके बाद क्या करता है, यूई एक प्रियम्बल भेजता है, ठीक है। प्रियम्बल मैसेज भेजता है, उसमें क्या होता है, एक रेड चैनल के थ्रू प्लीज। Someone is calling me, so sorry. Okay. So, यूई क्या करता है कि प्रियम्बल भेजता है, ठीक है। वो प्रियम्बल में एक्चुअली क्या करता है, एक पीरियड चैनल होता है, पीरियड चैनल के थ्रू प्रियम्बल भेजता है, उसमें थर्ड मैसेज का बिट साइज भेजता है। थर्ड मैसेज एक्चुअली हम इसको RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट जो होता है, इसको थर्ड मैसेज भी बोलते हैं। एक्चुअली जब यूई टेस्टिंग करते हैं उस लैंग्वेज बोलते हैं, बट डोंट यूज दिस लैंग्वेज एक्चुअली। आप RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट के लिए जो भी भेजता है उसका बिट साइज ये जो है प्रियम्बल में जाता है। उसके बाद नेटवर्क क्या करता है, रेच रिस्पॉन्स भेजता है। रेच रिस्पॉन्स में ये शेयर चैनल एलोकेट करता है यूई को, ठीक है। शेयर चैनल एलोकेट करता है ये लेयर 3 मैसेज की सिग्नलिंग के लिए, ठीक है। ओके, लेयर 3 मैसेज के सिग्नलिंग के लिए ये शेयर चैनल एलोकेट करता है, ये जो रेच रिस्पॉन्स होता है उसमें, ठीक है। उसके बाद यूई जब ये शेयर चैनल इसको प्रोवाइड हो जाता है, फिर यूई क्या करता है, RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजता है शेयर चैनल के थ्रू, ठीक है। तो इसमें वो TIMC अपना इंक्लूड करता है, RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट में यूई क्या करता है, अपना TIMC इंक्लूड करके RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करता है, ठीक है। देयर आफ्टर नेटवर्क क्या करता है, यूई को RRC कनेक्शन सेटअप भेजता है। इसमें ये क्या करता है कि एक सिग्नलिंग रेडियो बेरर क्रिएट करता है, ठीक है। रेडियो बेरर एक्चुअली 2 तरह के होते हैं, एक सिग्नलिंग रेडियो बेरर और एक डेडिकेटेड रेडियो बेरर, ठीक है। तो अभी जो RRC कनेक्शन सेटअप होता है वो सिर्फ सिग्नलिंग रेडियो बेरर जो यूई और इनोडवी के बीच में होता है, वो चीज जैसे यहाँ पे सेटअप होता है, ठीक है। तो ये RRC कनेक्शन सेटअप क्या करता है, सिग्नलिंग रेडियो बेरर को इंफॉर्मेशन भेजता है और लॉजिकल चैनल कंफिगर करके इसमें सेंड करता है, ठीक है। लॉजिकल चैनल में जैसे कि PDSCH, PUSCH, PUCCH, ये सारे चैनल का इंफॉर्मेशन जो है इसके थ्रू सेंड करता है, ठीक है, RRC कनेक्शन सेटअप में। ओके, फिर जब यूई को सारे इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं, सारे चैनल इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं, देन ये यूई क्या करता है, नेटवर्क को RRC कनेक्शन सेटअप कंप्लीट भेजता है, उसके साथ में अटैच रिक्वेस्ट भेजता है। जब एक बार इनोडवी और यूई के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है, तो ये क्या करता है, साथ में एक नेस्ट मैसेज भेजता है जिसे हम अटैच रिक्वेस्ट भेजते हैं, और प्लस PDN कनेक्टिविटी रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है। अटैच रिक्वेस्ट LTE के लिए इन्होंने भेजा, ठीक है। फिर नेटवर्क जब अटैच रिक्वेस्ट और PDN कनेक्टिविटी रिक्वेस्ट, दोनों रिक्वेस्ट जब इसको रिसीव करेगा यूई के थ्रू, ठीक है, तो नेटवर्क क्या करेगा, एक ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है। ऑथेंटिकेशन के लिए मतलब ये यूई को वेरीफाई करेगा, ठीक है। यूई को यूई को वेरीफाई करेगा ये एक रैंडम नंबर एलोकेट करके, ठीक है। प्रवीण, आर यू एबल टू, हेलो, आर यू एबल,
आर यू एबल टू लिसन मी? ओके, तो नेटवर्क क्या करता है, ऑथेंटिकेट करता है यूई को। ये नेटवर्क क्या करता है, ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट में एक रैंडम नंबर सेट करता है यूई को, ठीक है, जो कि मैंने रजिस्ट्रेशन बता रहा था, मैं वोल्टी का रजिस्ट्रेशन, तो उस डिवीजन में आपको एक 401 अनऑथराइज करके एक मैसेज आता है जिसमें रैंडम नंबर आता है, ठीक है। सेम एज ये भी है, ठीक है, ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट सेम एज वही चीज है इसमें, ठीक है। तो नेटवर्क क्या करता है, ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट भेजता है जिसमें वो रैंडम नंबर इंक्लूड करता है, ठीक है। तो यूई क्या करता है, उसका रिस्पॉन्स देता है, ऑथेंटिकेशन रिस्पॉन्स, ठीक है, उसमें वो एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स नेटवर्क को देता है जिससे नेटवर्क उसको ऑथेंटिकेट करता है कि ये ऑथेंटिक यूई है, इसको हम अलाउ कर सकते हैं अटैच के लिए। देयर आफ्टर नेटवर्क क्या करता है, सिक्योरिटी मोड कमांड भेजता है। सिक्योरिटी मोड कमांड में ये इंक्लूड करता है साइफरिंग की और इंटीग्रेटिंग की। ये क्या करता है, चैनल को सिक्योर करता है, ठीक है। जो नेस मैसेज होते हैं, नेस मैसेज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हम साइफरिंग की यूज करते हैं, ठीक है, तो वो सिक्योरिटी मोड कमांड में साइफरिंग की इंक्लूडेड होता है, ठीक है। फिर यूई इसको एक्नोलेज करता है, सिक्योरिटी मोड कम्प्लीटेड, ठीक है, जब वो सिक्योर चैनल प्रोवाइड हो जाते हैं तो। ओके, अब सिक्योरिटी मोड कमांड आरआरसी के लिए भेजा जाता है, पहले नेस के लिए, दोनों नेस के लिए था, अब आरआरसी के लिए सिक्योरिटी मोड कमांड सेंट हुआ, ठीक है। उसी तरह आरआरसी जब ये कंप्लीट होता है, आरआरसी कनेक्शन जब सिक्योर होता है, तो एक्सक्यूज मी, जब ये आरआरसी कनेक्शन, सॉरी आरआरसी जो कनेक्शन होता है वो सिक्योर हो जाता है इसके थ्रू, सिक्योरिटी मोड कमांड के थ्रू, ठीक है। दो बार सिक्योरिटी मोड कमांड जाएंगे, एक नेस मैसेज के लिए, एक आरआरसी चैनल के लिए, ठीक है। तो दोनों चैनल को ये सिक्योर करता है सिक्योरिटी मोड कमांड से, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर, ये नेटवर्क क्या करता है, अटैच एक्सेप्ट आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन और एक्टिवेट डिफॉल्ट ईपीएस बेयर कॉन्टेक्ट रिक्वेस्ट, ये तीन मैसेज भेजता है एक साथ, ठीक है। तो अटैच एक्सेप्ट और आरआरसी रिकॉन्फ़िगरेशन और ये इन तीनों को मैं डिटेल में आगे डिस्क्राइब करूंगा। पहले ये आरआरसी रिकॉन्फ़िगरेशन में क्या करता है, एक डेडिकेटेड रेडियो बेयर जो है एलोकेट कर देता है, ठीक है। जब आपका ये सारे चीज, सारे सिक्योरिटी वेरिफिकेशन सब कुछ हो गया, ठीक है, हमने पीडीएन कनेक्टिविटी रिक्वेस्ट ऑलरेडी सेंड किया था, यूई ने पीडीएन कनेक्टिविटी रिक्वेस्ट यहाँ सेंड किया था, ठीक है। पैकेट डेटा नेटवर्क कनेक्टिविटी रिक्वेस्ट मतलब यूई क्या चाह रहा है कि एक पैकेट डेटा नेटवर्क से कनेक्ट होना चाह रहा है, ठीक है, तो इसलिए इसने कनेक्टिविटी रिक्वेस्ट सेंड किया था, ठीक है। तो इससे कनेक्ट होने के लिए एक बियर की जरूरत पड़ती है। तो जब ये इंफॉर्मेशन पीडीएन नेटवर्क को जाएगा तो एक एक्टिवेट बियर कॉन्टेक्ट रिक्वेस्ट का मैसेज आएगा यूई को, ठीक है, नेटवर्क के थ्रू। तो इस तो इसमें क्या होता है कि आपका डेडिकेटेड बियर का इंफॉर्मेशन होता है, तो डेडिकेटेड बियर को हम इंप्लीमेंट करते हैं यूई और नेटवर्क के बीच में, ठीक है। तो जब ये बियरर मतलब कंप्लीट हो जाता है, कॉन्फ़िगर हो जाता है बियरर, डेडिकेटेड बियरर, तो हमारा आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट जाता है, फिर अटैच कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें मेन चीज है आपका बियरर, ठीक है, ईपीएस बियरर जो है हमारा, इसमें मेन चीज है जो डाटा के लिए, अभी हमारा सिर्फ डाटा के लिए अटैच हुआ है, ठीक है, हम सिर्फ इस पे अभी डाटा चला सकते हैं, अभी आईएमएस का इसमें कुछ रजिस्टर नहीं हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए आईएमएस के लिए हमें रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है, तो आईएमएस के लिए क्या करता है यूई, अब ये सारी प्रोसीजर होने के बाद ये दोबारा एक पीडीएन कनेक्टिविटी रिक्वेस्ट सेंड करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पीडीएन कनेक्टिविटी रिक्वेस्ट सेंड किया था नॉर्मल अटैच के लिए, मतलब ये सिर्फ नॉर्मल एलटी से भी अटैच हुए हैं,
जब वोल्टी में अटैच किया जाता है तो यूवी क्या करता है, ये कंप्लीट अटैच कंप्लीट होने के बाद दोबारा फिर पीडीएन कनेक्टिविटी रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है, फिर दोबारा ये एक्टिवेट ईपीएस बेरर कॉन्टेक्स्ट रिक्वेस्ट भेजता है, फिर एक्टिवेट डिफॉल्ट ईपीएस बेरर एक्सेप्ट होता है, ठीक है, मीन्स ये और आरआरसी रिकन्फ्यूजन और रिकन्फ्यूजन कम्प्लीट, ये चार मैसेज जो है दोबारा से रिपीट होते हैं, ठीक है, एक नया अलग से वोल्टी के लिए अलग से बेरर बनाने के लिए, ये सिर्फ डेटा के लिए भी बेरर बनाता है, वोल्टी के लिए अलग से बेरर बनता है, ठीक है, लेकिन एलटी अटैच कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, तो और जैसे कि हम कॉल इनिशिएट कर रहे हैं, पहले बात एक रजिस्ट्रेशन के अलग अलग बेरर बन गया, ठीक है, अब सपोज दैट हम कॉल इनिशिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो कॉल इनिशिएट करने के लिए आपको पहले तो वही सेम प्रोसीजर होगा, ये रेच एलोकेट होगा क्योंकि आपकी यूवी जो है आइडल मोड में रहेगा, आइडल मोड में रहेगा तभी उसको आरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद आपका सेम वही होगा, आरसी कनेक्शन सेटअप कंप्लीट होगा, फिर सर्विस रिक्वेस्ट जाएगा, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट आएगा इनकमिंग क्या कॉल या आउटगोइंग कॉल में, ठीक है, सर्विस रिक्वेस्ट जाएगा, फिर सिक्योरिटी मोड कमांड और कंप्लीट होगा, ठीक है, उसके बाद ये फिर एक बियरर यहाँ पे प्रोवाइड होगा जिसे हम डेडिकेटेड बियरर बोलते हैं, ठीक है, अगर हम वॉइस कॉल कर रहे हैं तो वॉइस कॉल के लिए डेडिकेटेड बियरर एलोकेट होता है, और यहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ पे डिफॉल्ट बियरर होता है, ये डिफॉल्ट बियरर डाटा के लिए सिर्फ डिफॉल्ट बियरर क्रिएट होता है, जो इनिशियल बियरर क्रिएट होता है उसे डिफॉल्ट बियरर बोलते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम वॉइस कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे एक डेडिकेटेड बियरर एलोकेट हो रहा है, ठीक है, तो ये एमओ और एमटी कॉल के लिए ये प्रोसीजर होता है, ठीक है, और ये नॉर्मल आपका एलटी अटैच के लिए प्रोसीजर होता है। अब बियरर जो क्रिएट होता है, बियरर एस्टेब्लिशमेंट प्रोसीजर, इसमें क्या है कि एमएमई जो इन्फॉर्मेशन देता है एसजीडब्ल्यू से फिर पीजीडब्ल्यू को कि हमें बियरर क्रिएट करना है, तो पीजीडब्ल्यू क्या करता है, पीसीआरओ से कॉन्टेक्ट करता है, पीसीआरओ से पॉलिसी चार्जिंग एंड कंट्रोल जो फंक्शन होता है, तो ये डिसाइड करता है कि मैं यूई को बियर प्रोवाइड करना है कि नहीं करना है, ये किस बेसिस पे डिसाइड करता है कि यूई के पास कौन सी सर्विस एक्टिवेटेड है, ठीक है, ये कौन सा रिचार्ज किया है, इसके इसके बेसिस पे वो सर्विस प्रोवाइड करता है, तो हमें जो यूई बियर चाहता है वो बियर हमें एलोकेट करना है कि नहीं करना है, मान लीजिए यूई वॉइस कॉल कर रहा था, तो वॉइस कॉल की फंक्शनलिटी यूई में अवेलेबल है कि नहीं है, मीन्स यूई ने वॉइस कॉल के लिए रिचार्ज किया है कि नहीं किया है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग पीजीडब्ल्यू को अलाउ करेगा बियरर क्रिएट करने के लिए, जब एक बार पीसीआर पीजीडब्ल्यू को अलाउ कर देगा तब पीजीडब्ल्यू क्या करेगा, क्रिएट डेडिकेटेड बियरर रिक्वेस्ट डालेगा एसजीडब्ल्यू को, एसजीडब्ल्यू क्या करेगा एमएमई को डालेगा, तो एमएमई जो बियरर क्रिएट करने के लिए बियरर सेटअप रिक्वेस्ट इनोडवी को डालेगा, अब इनोडवी क्या करेगा आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन भेजेगा, तो रिकॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि एक डेडिकेटेड रेडियो बियरर जो है एलोकेट करता है यूई को, ठीक है, एक एसआरबी होता है डीआरबी होता है, एसआरबी हमने बताया था कि आपको सिग्नल रेडियो बियरर जो आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट और सेटअप जा रहा था फर्स्ट टाइम पे ये जब जा रहा था आरआरसी कनेक्शन सेटअप, तो यहाँ पे आपको एसआरबी एलोकेट हो रहा था, सिग्नलिंग रेडियो बियरर एलोकेट हो रहा था, अब यहाँ पे क्या हो रहा है रिकॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, तो इसमें एसआरबी भी कॉन्फ़िगर होगा और डीआरबी भी होगा, एसआरबी में हमारा नेस का एसआरबी जुड़ जाएगा, ठीक है, उसमें सिर्फ इनोडवी और इसके बीच में था यूई के बीच में, अब यहाँ पे क्या होगा हमारा नेस का इन्फॉर्मेशन भी एड हो जाएगा, मतलब कोर नेटवर्क से और यूई के बीच में बियरर क्रिएट हो जाएगा सिग्नलिंग के लिए भी, और डेडिकेटेड रेडियो बियरर जो है हमारा डाटा फ्लो के ट्रैफिक फ्लो के लिए भी एक बियरर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, फिर यूई जो एक्नॉलेज करेगा आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट से, ठीक है, अब ये रिकॉन्फ़िगरेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो इनोड भी क्या करेगा एक बियरर सेटअप रिस्पांस भेजेगा एमएमई को, बस कंफर्मेशन करेगा कि बियरर सेटअप हो चुका है, ठीक है, तो क्रिएट डेडिकेटेड बियरर रिस्पांस एसजीडब्ल्यू को जाएगा, एसजीडब्ल्यू पीजीडब्ल्यू को इन्फॉर्म करेगा कि बियरर क्रिएट हो चुका है, फिर ये प्रोविजन जो इन्होंने अलाउ किया था उसका एक्नॉलेजमेंट पीसीआरएफ को भेजेगा, ठीक है, तो ये बियरर एस्टेब्लिशमेंट का प्रोसीजर होता है, ठीक है, अभी तक किसी को कही सुन, क्या
किसी को कोई इशू अभी? प्रवीण प्रवीण कोई इशू? नहीं ठीक है, नहीं ओके प्रकाश कोई इशू? कोई इशू नहीं, आगे बढ़े। अच्छा व्हाट इज बियर स्टार्ट में नहीं समझ में आया, पीरेज प्रियम्बल। ठीक है देखिए एक्चुअली बियरर रणबीर बियरर तो पूरा बियरर का ही क्लास है, मैं बियरर बढ़िया समझाऊंगा भी अभी ये सारी चीजें बच्ची हैं। ठीक है तो बियरर अभी को समझ में आ जाएगा क्या होता है। पहले आपने पीरज प्रेमबल पूछा, तो पीरज प्रेमबल एक्चुअली जब यूई को यूई जो फर्स्ट मैसेज जो है नेटवर्क को सेंड करता है, ये क्या करता है जो फर्स्ट रेड चैनल एलोकेट होता है यूई को उसके थ्रू क्या करता है कि एक्सपेक्टेड बिट साइज भेजता है प्रेमबल के थ्रू कि हमें आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना है उसके लिए हमें चैनल एलोकेट करो। ठीक है नेटवर्क को भेजता है, ठीक है बस ये एक रिक्वेस्ट है कि एक शेयर चैनल हमें एलोकेट करो, शेयर चैनल के थ्रू हम लेयर थ्री सिग्नलिंग करना है। ठीक है तो लेयर थ्री सिग्नलिंग के लिए ये रिक्वेस्ट करता है पीरज प्रियम्बल के थ्रू। ठीक है इसलिए प्रियम्बल भेजता है। जब प्रियम्बल नेटवर्क रिसीव करता है उसके बाद एक जो रिस्पॉन्स आता है उस रिस्पॉन्स में एक शेयर चैनल एलोकेट कर देता है यूई को। ठीक है जिसके जो शेयर चैनल के थ्रू ये सारे जो भी सिग्नलिंग हो रहे हैं वो सिग्नलिंग शेयर चैनल के थ्रू होते हैं। ठीक है तो प्रेम्बल का मेन काम होता है चैनल रिक्वेस्ट का। ओके और प्रकाश आप बोल रहे हो कि स्टार्टिंग में नहीं समझ आया, तो स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ इतना बताया कि मास्टर इन्फॉर्मेशन ब्लॉक जो है यूई नेटवर्क सेंड करता है, सिस्टम इन्फॉर्मेशन ब्लॉक नेटवर्क सेंड करता है, इसमें जो बैंडविड्थ इन्फॉर्मेशन होती है और इसमें होता है आपका पीएलएमएन आइडेंटिटी, मतलब नेटवर्क की कंट्री कोड क्या है, नेटवर्क कोड क्या है, उसका ट्रैकिंग एरिया कोड क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है सिस्टम इन्फॉर्मेशन वन में जाता है, सिस्टम इन्फॉर्मेशन टू में जाता है, एलटी टाइमर जाता है। ठीक है तो ये चीजें फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट हमेशा, मतलब कोई भी नेटवर्क हमेशा ये चीजें ब्रॉडकास्ट करती रहती है, कंटिन्यू ब्रॉडकास्ट होता रहता है ये चीज कि कोई भी यूई जब उस रेंज में आता है तो ऑटोमेटिक वो फेयर लेता है। ठीक है सबसे पहले ये मैसेज रिसीव करता है, कोई भी स्विच ऑन कर रहा हो तो उसको तुरंत मीप और सिप उसको रिसीव होगा। ठीक है जब मीप सिप रिसीव कर लेता है उसके उसके अकॉर्डिंग प्रियम्बल भेजता है, फिर आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजता है, फिर नेटवर्क सेटअप करता है, जो आरआरसी कनेक्शन सेटअप होता है उसमें ये सिग्नलिंग रेडियो बियरर सेटअप करते हैं। ठीक है फिर ये अटैच रिक्वेस्ट भेजते हैं यूई कि हमें कोर नेटवर्क से अटैच होना है, तो कोर नेटवर्क से अटैच होने के लिए अटैच रिक्वेस्ट और पीडीएन कनेक्टिविटी रिक्वेस्ट भेजते हैं, फिर आपका ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आता है। ऑथेंटिकेशन में बस ये ऑथराइजेशन चेक करता है। ठीक है और उसके बाद सिक्योरिटी मोड चेक होता है, फिर जाकर अटैच कंप्लीट होता है, बियरर बनता है। ठीक है प्रकाश आप एक बार रीज्वाइन करो, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि बाकी लोग को आवाज सही आ रही है। अब आते हैं आरआरसी नेक्स्ट मैसेज फॉर आईएमएस। अब क्या है कि आईएमएस में एक्चुअली ये जो मैसेज है उसमें मेन है अटैच रिक्वेस्ट, अटैच एक्सेप्ट, यूई कैपेबिलिटी इंफॉर्मेशन, इश्यू पीडीएन कनेक्टिविटी रिक्वेस्ट में पीसीयू किया जाता है और एक्टिवेट डिफॉल्ट डीपीएस बियरर कॉन्टेक्स्ट रिक्वेस्ट में पीसीयू किया जाता है। ठीक है पीसीयू का रोल क्या है? पीसीयू का मतलब प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन। ठीक है प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन होता है, ये प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करता है। ठीक है इसमें कई सारे ऑप्शन होते हैं, बस इसलिए इसको प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन बोलते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें कई सारे एड्रेस जो कॉन्फ़िगर करने होते हैं, जैसे डीएनएस एड्रेस, पीसीएसएफ का एड्रेस, पीसीएसएफ 1, 2, 3 अलग अलग पीसीएसएफ का, आईपीवी6 का, आईपीवी4, ये डीएनएस सर्वर का, ये सारी चीजें कॉन्फ़िगरेशन होता है, इस वजह से इसको
प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन बोलते हैं। तो पीडीएन कनेक्टिविटी से जो रिक्वेस्ट जा रही थी आपने देखा, तो वो ये पीसीयू रिक्वेस्ट करता है एक्चुअली ये कि हमें एक पीसीयू इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन का इन्फॉर्मेशन चाहिए। फिर एक्टिवेट डिफॉल्ट डीपीएस बेयर रिक्वेस्ट जब आता है तो उसमें वो सारे इन्फॉर्मेशन आते हैं, वो आगे आपको डिस्क्राइब करता हूँ मैं, ठीक है। तो अटैच रिक्वेस्ट डोमेन स्पेसिफिकेशन, अटैच रिक्वेस्ट में एक्चुअली इंफॉर्मेशन क्या आती है, यूई कैपेबिलिटी। एक्चुअली यूई कैपेबिलिटी क्या है कि यूई क्या क्या सपोर्ट कर सकता है, ठीक है, बस वही यूई कैपेबिलिटी है। सपोर्ट मतलब कि यूई 2G 3G 4G LTE कौन कौन से बैंडविड्थ सपोर्ट करता है, ठीक है, और किस किस बैंड पे काम कर सकता है यूई, ठीक है, बैंड ए बैंड टू बैंड थ्री बैंड 40 किस बैंड पे काम कर सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैंड है, आपको पता ही होगा रणवीर, आपने काम भी किया है LTE पे तो आपको पता होगा बैंड 3 पे आप काम करते थे, बैंड 40 पे काम करते थे कर्नाटका में। तो ये सारे यूई कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि यूई वो बैंड सपोर्ट करता है कि नहीं, तो वो इन्फॉर्मेशन किस पे जाता है, यूई कैपेबिलिटी में जाता है, ठीक है। यूई वोल्टी सपोर्ट करता है कि नहीं, ये भी यूई कैपेबिलिटी में जाता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ऐसे मतलब यूई क्या क्या सपोर्ट कर सकता है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी सपोर्ट कर सकता है, कौन कौन सी फ्रिक्वेंसी सपोर्ट करता है, ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है यूई की उस यूई कैपेबिलिटी में जाती है, ठीक है। तो ये था यूई कैपेबिलिटी। और अब आते हैं अटैच रिक्वेस्ट पे। अटैच रिक्वेस्ट में एक्चुअली क्या कार्य करेगा, जब यूई कोई भी अटैच रिक्वेस्ट सेंड करता है तो उसमें ये मेन चीज एसआरवी सीसी का इन्फॉर्मेशन सेंड करता है, ठीक है, सर्विस सीसी फ्रॉम यूट्रॉन टू सीडीएम नॉट सपोर्टेड। ये दो ऑप्शन होते हैं यहाँ पे, सपोर्टेड या नॉट सपोर्टेड। यहाँ पर नॉट सपोर्टेड डाला, लेकिन अगर वोल्टी हमें सपोर्ट कर एसआरवी सीसी अगर सपोर्ट करता है तो सपोर्टेड जाएगा, नहीं सपोर्ट करता है तो नॉट सपोर्टेड जाएगा, ठीक है, ये अटैच रिक्वेस्ट में जाएगा, ठीक है। उसी तरह ये भी है, ये सीडीएम में पे था, यहाँ पे जी रैन यूट्रेन कैपेबिलिटी चेक कर रहा है, ठीक है, जी रैन यूट्रेन पे सपोर्ट करता है कि नहीं, ठीक है। तो नॉट सपोर्टेड या सपोर्टेड दो ऑप्शन होते हैं, उसमें से अगर सपोर्टेड होगा तो नॉट सपोर्टेड लिख के जाएगा, नॉट सपोर्टेड होगा नॉट सपोर्टेड लिख के जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या इंफॉर्मेशन जाती है आपका, वॉइस डिफरेंट प्रेफरेंस के लिए। वॉइस डिफरेंट डोमेन प्रेफरेंस में ये आपका यूई क्या करता है, यहाँ पे सेलेक्ट करता है कि क्या क्या वो अभी किस चीज के लिए वो अटैच सेंड कर रहा है, डाटा सेंट्रिक के लिए या वॉइस सेंट्रिक के लिए, दो ऑप्शंस होते हैं, उसमें से यूई कुछ भी सेंड कर सकता है, वॉइस सेंट्रिक और डाटा सेंट्रिक। वॉइस सेंट्रिक लेगा तो उसके साथ जैसे क्या होता है, कभी कभी यूई सिर्फ पीएस के लिए वो करता है, कभी कभी सिर्फ सीएस के लिए अटैच करता है, तो उस केस में डाटा और वॉइस इसमें अपने आप से वो सेलेक्ट करके भेजेगा। अगर वॉइस डोमेन प्रेफरेंस है तो सीएस वॉइस ओनली, ये सारे ऑप्शंस होते हैं, उस ऑप्शंस में कोई एक सपोर्ट सेलेक्ट करके भेजेगा। अगर वो उसको आईएमएस कॉलिंग करनी है तो आईएमएस पीएस वॉइस ओनली करेगा, ठीक है, दोनों करना है तो आईएमएस पीएस प्रेफर्ड सीएस वॉइस सेकेंडरी, या फिर सीएस को प्राइमरी रखे या पीएस को सेकेंडरी रखे, वो यूई की सेटिंग पे डिपेंड करता है कि यूई किस चीज को प्रेफर्ड करता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अटैच होगा, ठीक है। अगर आप वोल्टी प्लस एलटी दोनों अटैच करना चाहते हैं और वॉइस के लिए अगर आईएमएस को आप प्रेफर करना चाहते हैं तो यूई, अगर आप जैसे वोल्टी अपने अपने डिवाइस में ऑन रखा है तो जब वोल्टी ऑन रखेंगे तो आपका यही सेलेक्ट होकर जाएगा, आपको क्या करेगा वो आईएमएस को प्रायोरिटी दे देगा और सीएफ कॉल को सेकेंडरी दे देगा, ठीक है। और अलग अलग यूई कैटेगरी आती है, हर यूई में ये ऑप्शंस नहीं होते हैं, जो नई नई यूई आ रही है उसमें अलग अलग ऑप्शंस भी रहते हैं सेलेक्ट करने के लिए कि आप आईएमएस में प्रेफर्ड क्या करना चाहते हो, ये सारे ऑप्शंस होते हैं तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। अभी तक की जो यूई यहाँ पे अवेलेबल है इंडिया में तो ऐसे सेटिंग्स की यूई कोई अवेलेबल नहीं है जिसमें ये सब खुद से सेटिंग कर सके, ठीक है। अटैच एक्सेप्ट, अभी अटैच रिक्वेस्ट में मेन चीज आपको ये सारी चीजें थी कि यूई ये चीजें भेजेंगे, ठीक है, मतलब आईएमएस पे कॉलिंग के लिए या फिर सीएस वाइज या पीएस वाइज क्या करना है, तो उसके अकॉर्डिंग
वो अटैक रिक्वेस्ट करेगा। अब ये है कि नेटवर्क क्या सपोर्ट करता है, ठीक है, ये भी तो डिपेंड करेगा नेटवर्क एक्चुअली में। अगर मान लो कि यूई क्या हुआ कि वोल्टी को प्रेफर्ड करके भेज दिया, ठीक है, लेकिन नेटवर्क वोल्टी सपोर्ट ही नहीं करता है तो वो कैसे अलाउ करेगा। तो नेटवर्क में भी एक आपका एक ऑप्शन होता है अटैच एक्सेप्ट जो मैसेज आता है उसके अंदर ईपीएस नेटवर्क फीचर सपोर्ट, ये एक हेडर होता है, ठीक है, अटैच एक्सेप्ट के अंदर अंदर होता है ये, ठीक है, ये सारा अटैच एक्सेप्ट का मैसेज है ये, ठीक है, उसके अंदर एक हेडर होता है, उस हेडर के अंदर जो है आईएमएस वीओपीएस वॉइस ओवर पीएस, ठीक है, ये एक ऑप्शन होता है, ठीक, उस ऑप्शन में ये सिलेक्ट करता है आईएमएस वॉइस ओवर पीएस इन एश्योर्ड मोड सपोर्टेड, ठीक है, उसमें दो ऑप्शन होते हैं नॉट सपोर्टेड और सपोर्टेड, ठीक है, सपोर्टेड है मीन्स वो आईएमएस कॉलिंग को अलाउ कर रहा है, नॉट सपोर्टेड है मीन्स आईएमएस कॉलिंग को अलाउ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अटैच एक्सेप्ट में ये चीज मैंडेटरी है नेटवर्क आईएमएस वॉइस ओवर पीएस, ठीक है, इसका ऑप्शन सेलेक्ट होना चाहिए। व्हाट इज पीएस, पीएस इज पैकेट स्विच एंड सीएच इज सर्किट स्विच। एक्चुअली ये पैकेट स्विच वो जैसे जो आप इंटरनेट यूज करते हो तो वो पैकेट स्विच पे चलता है इंटरनेट, ठीक है, लेकिन जो 3G में आप कॉलिंग करते हो सर्किट स्विच पे चलता है, ठीक है। तो सर्किट स्विच में क्या होता है, एक डेडिकेटेड पाथ आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है, लेकिन पैकेट स्विच में क्या होता है, डेडिकेटेड पाथ नहीं प्रोवाइड होती है, उसमें शेयर चैनल होता है पैकेट स्विच में, शेयर चैनल में उसमें मतलब टाइमली आपको कुछ टाइम के लिए आपको चैनल एलोकेट रहेगा, उसमें पैकेट मतलब रैंडम पैकेट आते हैं, ठीक है, एक एक पैकेट सेंड करता है नेटवर्क, वो रैंडम पैकेट आता है, फिर उसमें आपका एड्रेस का इन्फॉर्मेशन होता है, उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सारे पैकेट आपको रिसीव होते हैं, लेकिन एक ही साथ सारे पैकेट नहीं रिसीव होते हैं, रैंडमली रिसीव होते हैं, लेकिन सर्किट में क्या होता है वो कॉन्टिन्यू रिसेप्शन होता है, ठीक है, उसमें रैंडम रिसीव नहीं होता, उसमें कॉन्टिन्यू रिसेप्शन होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है पैकेट स्विच और सर्किट स्विच में, ठीक है। तो ये पैकेट स्विच में हम कॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है, पैकेट स्विच में इस पे कॉलिंग क्यों कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एलटी में सर्किट स्विच अवेलेबल नहीं था, इसलिए हम पैकेट स्विच पे कॉलिंग करने के लिए, ये थोड़ा सीएस सर्किट स्विच से सस्ता भी होता है, इस पे ज्यादा यूजर आ जाते हैं तो ऑपरेटर्स को क्या चाहिए, उसको उनको फायदा चाहिए, तो वो ज्यादा यूजर उनको चाहिए, तो ज्यादा यूजर चाहिए तो इसके लिए वो पैकेट स्विच इस्तेमाल करेंगे, तो ज्यादा यूजर को वो सर्व कर सकते हैं, उसके सर्किट स्विच में वो कम यूजर को सर्व कर सकते थे, ठीक है, इसमें कम बैंडविड्थ वो ज्यादा यूजर को सर्व कर सकते हैं, इसलिए ये लोग पैकेट स्विच का यूज करते हैं वोल्टी कॉलिंग के लिए, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आपका अटैच एक्सेप्ट कैरी करेगा, ठीक है। अब ये सेटिंग कैसे होती है, ये जो कॉन्फ्यूगरेशन होता है वो ये ऑप्शन होता है आईएमएस बीओपीएस, इसमें इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो ये दो इन्फॉर्मेशन आएगा, इसमें से कोई एक हम सेलेक्ट कर देंगे, ये नेटवर्क में सेटिंग होती है, ठीक है, ये ईपीएस नेटवर्क फीचर सपोर्टेड करके ऑप्शन रहता है, ठीक है, उसमें ये सारे ऑप्शन होते हैं, उसमें एक आईएमएस का जो ऑप्शन रहेगा उसको हम सेलेक्ट करके बस इनमें से कोई हम कॉन्फिगर कर देंगे, जो कॉन्फिगर करेंगे उसके अकॉर्डिंग नेटवर्क रिस्पॉन्स देगा, ठीक है, नेटवर्क ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स नहीं देता, इसमें हम सेलेक्ट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग नेटवर्क जो है रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। अगर आपको इमरजेंसी कॉलिंग इनेबल रखना है, आप इमरजेंसी बियर सर्विस इसको आप सपोर्टेड करा दोगे तो इमरजेंसी कॉलिंग भी सपोर्ट करेगा, नॉट सपोर्टेड कराओगे तो नॉट सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस जो है हम कॉन्फ़िगर करते हैं नेटवर्क में, ठीक है। ऑक्टेट 1, 2, 3 ये एक्चुअली ये ऑप्शंस हैं, ऑक्टेट का मतलब ये जो भी कॉन्फ़िगरेशन होता है ये ऑक्टेट में वो होता है, सेव होता है, ठीक है, जैसे हेक्साडेसिमल होता है और आपका डेसिमल होता है, हेक्साडेसिमल ऑक्टाडेसिमल ऑक्टेट, ये सर ये आपने पढ़ा होगा बाइनरी, तो ये ऑक्टेट फॉर्म में ये सारे ये सेव होते हैं इंफॉर्मेशन, इसलिए हाँ एट बिट। ठीक है, अब आते हैं पीसीओ एंड पीडीएन कनेक्टिविटी रिक्वेस्ट, ठीक है,
HTTP क्या है? प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन, प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन। एक्चुअली क्या होता है, जब हम नेटवर्क से नेटवर्क जब हमारा यूई क्या करता है, नेटवर्क से अटैच करना चाहता है, तो उसको क्या करना है कि किसी भी डीएनएस सर्वर से अटैच होना है। ठीक है, क्यों अटैच होना है डीएनएस सर्वर से इसको? क्योंकि हमें किसी भी, मान लीजिए किसी भी वेबसाइट पर विजिट करना है, तो वेबसाइट का हमें उसका यूआरएल हमारे पास होता है। ठीक है, जो वेबसाइट जैसे कि हमारा टेक्नोलॉजी सेंटर ऑनलाइन .com हमारा वेबसाइट है। ठीक है, आप हमारे वेबसाइट को गूगल क्रोम में सर्च करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, गूगल क्रोम सबसे पहले क्या करेगा, डीएनएस सर्वर से क्वेरी करेगा। वो किस क्यों क्वेरी करेगा? क्योंकि उस हमेशा कोई भी वेबसाइट होता है ना, यूआरएल से कनेक्टेड नहीं होता है, वो आईपी एड्रेस से कनेक्टेड होता है एक्चुअली। ठीक है, जो सर्वर होता है, जिस सर्वर में वेबसाइट होस्ट होती है, ठीक है, वो सर्वर का एक आईपी एड्रेस होता है। जैसे आपके लैपटॉप का आईपी एड्रेस होगा, आपके मोबाइल का एड्रेस होगा, आईपी एड्रेस होगा। ठीक है, उसी तरह कोई सर्वर होता है जहाँ पे आपका वेबसाइट होस्ट है, तो वहां का एक आईपी एड्रेस है। ठीक है, तो उस सर्वर से कनेक्ट होना एक्चुअली, हमारा जो भी वेबसाइट का सारा इन्फॉर्मेशन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन एक सर्वर में स्टोर्ड है, उस सर्वर से कैसे कनेक्ट होना है, उस सर्वर का एड्रेस कहाँ मिलेगा। तो उस सर्वर का एड्रेस जो है डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन होता है। जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, डोमेन नेम सर्वर कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, तो डोमेन नेम सर्वर जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो सारे डीएनएस के कॉमन सर्वर होता है, जो पूरे वर्ल्ड के लिए एक कॉमन सर्वर होता है। ठीक है, डीएनएस बहुत सारे डीएनएस होते हैं, सारे डीएनएस आपस में कनेक्टेड होते हैं, पूरे वर्ल्ड के जितने भी डीएनएस होंगे सब सारे डीएनएस आपस में कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो जो भी आपका नियरेस्ट डीएनएस सर्वर होगा, उस डीएनएस सर्वर से आपका यूई जो अटैच होगा, ठीक है, और उस डीएनएस सर्वर को क्वेरी करेगा, ठीक है, कि हमें इस वेबसाइट इस यूआरएल का इन्फॉर्मेशन दो। तो आपका यूई क्या करेगा, उस यूआरएल का इन्फॉर्मेशन लेगा। तो इन्फॉर्मेशन में क्या मिलेगा, उस यूआरएल का आईपी एड्रेस मिलेगा एक्चुअली, वो यूआरएल जो है इस आईपी एड्रेस पे एलोकेट कर रहा है। ठीक है, फिर उस आईपी एड्रेस को आपका यूई जो है रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर उस आईपी एड्रेस से इंफॉर्मेशन फेच करता है। ठीक है, तो डीएनएस सर्वर का ये यूज होता है किसी भी यूआरएल को रूट करने का। ठीक है, आईपी एड्रेस तक रूट करने का। तो बेसिकली एक यूई डीएनएस सर्वर से पहले अटैच होगा, तब तो किसी डीएनएस सर्वर से अटैच होगा, तब तो वो क्वेरी करेगा डीएनएस सर्वर से। तो डीएनएस सर्वर का इंफॉर्मेशन उसको कैसे मिलेगा, तो वो इंफॉर्मेशन देता है पीजीडब्ल्यू। ठीक है, तो पीजीडब्ल्यू इन्फॉर्मेशन कैसे देता है डीएनएस सर्वर का, तो आपका यूई क्या करता है, एक पीडीएन कनेक्टिविटी रिक्वेस्ट भेजता है। ठीक है, तो पीडीएन कनेक्टिविटी रिक्वेस्ट जब यूई भेजता है, तो उसमें ये ऑप्शन भेजता है, ये देखिए, ये पूरा एक ही मैसेज है, यहाँ से ये प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन से लेके ये पीडीएन कनेक्टिविटी रिक्वेस्ट जो मैसेज था उसके अंदर का ये मैसेज है। ठीक है, उसके अंदर एक प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन करके ऑप्शन होता है। ठीक है, अब ये उसका ये उसके अंदर पीसीओ के अंदर का सारे इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, उसमें ये होता है प्राइमरी डीएनएस आईपी एड्रेस। ठीक है, ये आपका मान लीजिए आईपी V4 के लिए मांग रहा है, आईपी V6 के लिए मांग रहा है, जितने भी आईपी है वो कई सारे आईपी के लिए आपका रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, जो भी ये नेटवर्क कैलकुलेट कर दे उसके रिगार्डिंग। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए आईपी V4 एड्रेस रिक्वेस्ट, आईपी V6 एड्रेस रिक्वेस्ट इसने किया। ठीक है, इसने एड्रेस रिक्वेस्ट किया। ठीक है, और फिर मेन चीज ये आपको देखना है, मेन चीज आपका ये है TCSCF IPv6 एड्रेस रिक्वेस्ट, TCSCF IPv4 एड्रेस रिक्वेस्ट, जिसपे आपको INS का रजिस्ट्रेशन करना है। ये तो आपका डेटा के लिए हो गया, DNS सर्वर आपको किसी डेटा सर्विस से कनेक्ट करना है, लेकिन ये IMS से कनेक्ट करना है, उसके लिए यू क्या करेगा, TCSCF का एड्रेस का रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, PCSCF से कैसे यू कनेक्ट होगा, जब तक वो एड्रेस उसका नहीं मिलेगा तब तक आपका यू कनेक्ट नहीं होगा। तो ये पीडीएन कनेक्टिविटी रिक्वेस्ट भेजता है यूई, तो यूई क्या करता है उसमें एड्रेस का रिक्वेस्ट करता है। ये चीज आपको ध्यान से सुनिएगा, ये हमेशा इंटरव्यू में पूछा जाता है, कि हर एक इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि PCSCF की डिस्कवरी कैसी होती है। ठीक है, तो इस चीज का बेसक ध्यान रखिएगा, PCSCF की डिस्कवरी कैसे होती है। आपको ये बताना है कि जब LTE अटैच होता है तो LTE अटैच में PDN कनेक्टिविटी रिक्वेस्ट जाती है, PDN कनेक्टिविटी रिक्वेस्ट के अंदर प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन होता है। ठीक है, प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन के अंदर जो है PCSCF एड्रेस रिक्वेस्ट भेजा जाता है।
ठीक है, वो रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, पीजीडब्ल्यू को जाती है, ठीक है, पब्लिक डेटा नेटवर्क गेटवे को जाती है, ठीक है। इतना आंसर आपको फर्स्ट आंसर ये है, ठीक है, उसके बाद का प्रोसेस आगे बताएंगे, ठीक है, ये ठीक है। अभी सिर्फ रिक्वेस्ट गई है एड्रेस का, ठीक है, इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन, किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पीसीएस डिस्कवरी का, किसी को कोई कंफ्यूजन तो बताइए, ये हर इंटरव्यू में पूछा जाएगा आपसे। आई थिंक सबको समझ में आ गया ये, ठीक है, सुशील वन सेकेंड, ठीक है, मैं एक बार और डिस्क्राइब कर देता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जब भी जब हाँ ठीक है, वन सेकेंड मैं बता रहा हूँ, जब अटैच अटैच प्रोसीजर, पहले तो डाटा के लिए अटैच प्रोसीजर कंप्लीट होता है, ठीक है, फिर हमने बताया था थोड़े पहले कि जब डाटा के लिए जब एलटी अटैच हो जाता है तो एलटी अटैच के बाद यूज करता है पीडीएम कनेक्टिविटी रिक्वेस्ट भेजता है आईएमएस अटैच के लिए, ठीक है। तो जब आईएमएस के लिए पीडीएम कनेक्टिविटी रिक्वेस्ट जाती है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जब ये पीडीएम कनेक्टिविटी रिक्वेस्ट कौन भेजता है, यूई भेजता है, यूई मतलब आपका आपका मोबाइल फोन, मोबाइल फोन किसको भेजता है, नेटवर्क को भेजता है, नेटवर्क मतलब आपका कोर नेटवर्क, कोर नेटवर्क में किसको भेजता है, पीजीडब्ल्यू को भेजता है, ठीक है, पीजीडब्ल्यू पीडीएम गेटवे, पैकेट डेटा नेटवर्क गेटवे जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसको भेजता है। और ये जब आपका नैस नैस गियर आपका ऑलरेडी ये बन चुका था, ठीक है, सिग्नलिंग गियर, तो उसके थ्रू वो वहां पे मैसेज सेंड करेगा पीजीडब्ल्यू को, पीडीएन कनेक्टिविटी रिक्वेस्ट सेंड करेगा, ये एक मैसेज होता है, ठीक है, जिसको हम नैस मैसेज बोलते हैं, नॉन एक्सेसिस्ट ऑटो मैसेज बोलते हैं इसको, ठीक है, ये मैसेज जाता है पीजीडब्ल्यू को आपके यूई से, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कंटेंट करता है, इस मैसेज में मेन चीज कंटेंट करता है प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन, ठीक है, प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन, बहुत लोग आपसे पूछेंगे ये क्या होता है, पीसीओ क्या होता है, वो पूरा नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे पीसीओ क्या होता है, ठीक है, तो पीसीओ आपको समझना है कि प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन होता है जो पीडीएन कनेक्टिविटी रिक्वेस्ट में जाता है, वो किस लिए जाता है, वो डीएनएस सर्वर और पीसीएसएफ का एड्रेस रिक्वेस्ट के लिए जाता है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यूई क्या करेगा, उस पीसीओ में ये एड्रेस रिक्वेस्ट एक इंक्लूड ऑप्शन इंक्लूड करेगा, डीएनएस सर्वर आईपी एड्रेस, डीएनएस आईपीवी6 और पीसीएसएफ आईपीवी6 एड्रेस और पीसीएसएफ आईपीवी4 एड्रेस रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये जो है अलग पीडीएम में जाएगा, ये चीज आपको कंफर्म कर दूं, हमने एक ही में डिस्क्राइब कर दिया है, लेकिन ये चीज जब हमारा फर्स्ट बार एलटी अटैच होता है तो ये इन्फॉर्मेशन उस पीडीएम में जाता है, और जब सेकेंड टाइम जब आईएमएस के लिए जब होता है, आईएमएस के लिए जब आप पीडीएन कनेक्ट रिक्वेस्ट जाता है तब ये इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट होता है, ठीक है, ये जब डाटा के लिए अटैच होता है तब जाता है, और ये जब आईएमएस के लिए पीडीएन कनेक्ट रिक्वेस्ट जाता है तब ये इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट होती है, ठीक है, ये पीसीयू में ये ऑप्शन होता है, ठीक है। अब नेटवर्क जब वो पीडीएन कनेक्टिविटी रिक्वेस्ट रिसीव करता है, तब पीजीडब्ल्यू जब रिसीव करता है तो वो क्या करता है, एक मैसेज भेजता है एक्टिवेट डिफॉल्ट ईपीएस बियरर कॉन्टेक्स्ट रिक्वेस्ट, ठीक है, ये मैसेज जो है पीजीडब्ल्यू जो है यूई को सेंड करता है, किसके थ्रू, ये एसजीडब्ल्यू एमएमई और ईनोडबी के थ्रू यूई तक पहुंचता है, ठीक है। ये एक्चुअली ईनोडबी क्या करता है, इसके बाद एक रिकॉन्फ़िगरेशन का मैसेज सेंड करता है, ये मैसेज रिसीव होने के बाद, ठीक है। तो ये मैसेज जो रिसीव होता है इसमें क्या होता है, इसमें भी पीसीओ होती है, जैसे पीडीएन कनेक्टिविटी रिक्वेस्ट में पीसीओ था, सेम पीसीओ इसमें भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रिक्वेस्ट हो रहा था, ठीक है, यहाँ पे आंसर आएगा, यहाँ पे ये क्या करेगा, आपका एड्रेस देगा, आप जैसे देख रहे हो डीएनएस एड्रेस दिया यहाँ पे, आईपी एक आईपी दिया आपको, ठीक है, आईपी एड्रेस यहाँ पे मिल गया, ठीक है, उसी तरह आपका आईपी एड्रेस इसने इंक्लूड कर दिया, ठीक है, आईपी एड्रेस यहाँ पे दे दिया आपको, ठीक है, ठीक, उसी तरह IPv4 का एड्रेस, IPv4 ये PCSF IPv4 का एड्रेस दे दिया, अब PCSF IPv6 का एड्रेस यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो हमने अभी सिर्फ रिक्वेस्ट किया था यहाँ पे,
पीडीएन कनेक्टिविटी रिक्वेस्ट मैसेज में हमें एड्रेस का रिक्वेस्ट किया था, ठीक है। अब इस एक्टिवेट डिफॉल्ट डीपीएस बियर कॉन्टेक्ट रिक्वेस्ट, इस मैसेज में क्या किया है, इन्होंने एड्रेस हमें एलोकेट कर दिया, ठीक है। डीएनएस का एड्रेस मिल गया और ये पीसीएसएफ का एड्रेस मिल गया, ठीक है। तो अब क्या है, यूई को डीएनएस एड्रेस भी मिल गया है, पीसीएसएफ का भी एड्रेस मिल गया है, ठीक है। तो एक्टिवेट डिफॉल्ट ईपीएस बियर कॉन्टेक्ट रिक्वेस्ट जो है आपका एड्रेस प्रोवाइड करता है, और प्रोवाइड करने के बाद आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन मैसेज आता है। आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन मैसेज क्या करता है, एक डेडिकेटेड रेडियो बियर क्रिएट कर देता है, और उसके थ्रू ये एक ऐसा बियर क्रिएट होता है जिसके थ्रू आप अपना वॉइस या फिर डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो बियर जैसे रणवीर आप पूछ रहे थे, हाँ एक एक पहले इमरजेंसी का मैं बता दूं, अगर इमरजेंसी कॉल को वो करना है तो सिप वन का एक कॉन्फ़िगरेशन होता है, सिप वन में एक ऑप्शन होता है आईएमएस इमरजेंसी सपोर्ट, वो ट्रू होता है, ठीक है। आईएमएस इमरजेंसी सपोर्ट अगर ट्रू है तो वो नेटवर्क जो है ये आईएमएस के ऊपर इमरजेंसी कॉल सपोर्ट करता है, अगर ये फॉल्स है तो सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरा चीज एक्सेस कंट्रोल फॉर मल्टीमीडिया टेलीफोनी, ठीक है। मल्टीमीडिया टेलीफोनी के एक्सेस कंट्रोल जो सिप टू में होता है वो ऑलरेडी मैं बताया था, एक्सेस कंट्रोल भी होता है, एक्सेस बारिंग, तो बारिंग फॉर इमरजेंसी, अगर ये बार कर रहा है तो ये फॉल्स, अगर है मतलब बारिंग नहीं कर रहा, ट्रू रहेगा तो ये बार किया गया है, ठीक है। उस तरह एमओ सिग्नलिंग, ठीक है, और ये अलग तरह का एमओ डाटा और कई सारी चीजें जो है इसमें होते हैं, इसको बार करना है या फिर अलाउ करना है, ये सेटिंग यहाँ से शिफ्ट होने वाली है, ठीक है। ओके, प्राइमरी डीएनएस सर्वर, सेकेंडरी डीएनएस सर्वर, देखिए एक्चुअली सर्वर एक्चुअली क्या करता है, यूई को जो भी नियरेस्ट सर्वर होते हैं वो सारे दो तीन सर्वर का इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है। पहले अगर मान लीजिए एक डीएनएस सर्वर पर क्वेरी कर रहा है, वो डीएनएस सर्वर पर कोई इशू आ गया, ठीक है, तो एक बैकअप के लिए होना चाहिए ना, इसलिए सेकेंडरी डीएनएस सर्वर यूज किया जाता है, ताकि अगर एक सर्वर पर कोई इशू है तो दूसरा सर्वर वर्क कर जाए, ठीक है। बस इसलिए दो सर्वर का इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, प्राइमरी सर्वर और सेकेंडरी सर्वर, ओके। तो यहाँ पे एक्सेस बारिंग का कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। अब आते हैं ईपीएस बियरर पे, ईपीएस बियरर क्या होता है, देखिए ये डेफिनेशन, वी कैन डिफाइन ईपीएस बियरर एज ए पाइपलाइन थ्रू विच डाटा ट्रैफिक फ्लो विद इन ईपीएस वॉल पैकेट स्विच सिस्टम, ठीक है। रणवीर आप अभी ईपीएस बियरर पूछ रहे हैं, ईपीएस बियरर एक्चुअली एक पाथ होता है जिसके थ्रू हम अपना डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि आप इंटरनेट चला रहे हो, तो आपका जैसे कोई वेबसाइट आप यूज कर रहे हो, तो वेबसाइट में सारे इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू आ रहे हैं, एक ईपीएस बियरर के थ्रू आ रहे हैं। मान लीजिए आप वोल्टी कॉल कर रहे हैं, तो वोल्टी कॉल कर रहे हैं तो उसका जो आरटीपी पैकेट्स आते हैं वो किसके थ्रू आते हैं, आरटीपी पैकेट क्या है, जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हो एक प्रोटोकॉल के थ्रू, वो एक फ्रेम पे जो जो बिट्स होते हैं वो एक फ्रेम पे जो है इनकोड करके, वो रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल होता है उसमें इनकोड होके वो ट्रांसफर होता है, तो उसकी किसके थ्रू ट्रांसफर होता है, वो रेडियो बियरर के थ्रू, ईपीएस रेडियो बियरर के थ्रू, सॉरी ईपीएस बियरर इसको बोलते हैं, उस ईपीएस बियरर के थ्रू वो ट्रांसफर होता है, ठीक है। रेडियो बियरर तो आपका ये जो बनता है इसको रेडियो बियरर बोलते हैं, ये इसको हम ईपीएस बियरर बोलते हैं, ठीक है। तो ये ईपीएस बियरर के थ्रू हम सिर्फ डाटा या फिर वॉइस जो भी हमारा जो ट्रांसफर होता है इसके थ्रू ट्रांसफर होता है, ठीक है रणवीर। तो बियरर दो प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ बियरर, वन इज डिफॉल्ट बियरर एंड अदर इज डेडिकेटेड ईपीएस बियरर, ठीक है। एक होता है डिफॉल्ट बियरर, डिफॉल्ट का मतलब क्या हुआ, डिफॉल्ट का मतलब अगर कोई ऐसी चीज होती है जो बाय डिफॉल्ट असाइन हो जाती है, ठीक है, वो हमेशा अवेलेबल ही रहती है, ठीक है। उसी तरह डिफॉल्ट बियरर भी होता है, जब आप कभी भी ये एलटी पर अटैच होता है ना तो आपको डिफॉल्ट बियरर ऑटोमेटिक असाइन हो जाता है, ठीक है। और इसको मैं भी डिस्क्राइब करूंगा क्या डिफॉल्ट बियरर और डेडिकेटेड बियरर, ठीक है। तो जैसे कि
ये रेडियो लेयर कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। ये तीन केसेस हो सकते हैं, अगर आप किसी नेटवर्क से अटैच हो रहे हो तो आपको सिर्फ डिफॉल्ट बियरर ही असाइन हो, ठीक है। तो डिफॉल्ट बियरर असाइन हो उस पर क्या हो, IMS सिग्नल में भी चले, सिर्फ IMS सिग्नल ही और वॉइस ट्रैफिक, ठीक है। और दूसरी क्या है, डिफॉल्ट बियरर और डेडिकेटेड बियरर दो असाइन हो, ठीक है। ये IMS के केस में बता रहा हूँ, ठीक है। डाटा के केस में सिर्फ डिफॉल्ट बियरर होता है, ठीक है। अगर सिर्फ नॉर्मल डाटा यूज करना है आपको तो उसमें सिर्फ डिफॉल्ट बियरर ही यूज होता है, ठीक है, नॉर्मल डाटा के लिए, ठीक है। और वॉइस के लिए हमेशा, ये हमेशा नहीं लेकिन ये वॉइस के लिए मैं कंडीशन बता रहा हूँ। फर्स्ट कंडीशन है कि आपको डिफॉल्ट बियरर एलोकेट हो, उसमें आपका सिग्नल IMS की सिग्नलिंग भी हो और वॉइस ट्रैफिक भी जाए। वॉइस ट्रैफिक का मतलब जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपकी वॉइस एक यूएस दूसरी वॉइस पे जो दूसरे यूई पे जो ट्रांसफर हो रही है वो डिफॉल्ट बियरर के थ्रू जाए, ठीक है। दूसरा कंडीशन हो सकता है डिफॉल्ट बियरर जो है IMS सिग्नलिंग के लिए क्रिएट हो और डेडिकेटेड बियरर जो है वॉइस ट्रैफिक के लिए, मतलब दो बियरर क्रिएट हो। IMS के लिए दो बियरर क्रिएट होगा, एक डिफॉल्ट बियरर एक डेडिकेटेड बियरर। आप जब भी IMS अटैच होंगे तो डिफॉल्ट बियरर क्रिएट हो जाता है, वो क्रिएट होना ही होना है IMS सिग्नलिंग के लिए अलग से, ठीक है। उसके बाद आपको वॉइस ट्रैफिक के लिए अलग से, अगर आप कॉल इनिशिएट करो तो एक डेडिकेटेड बियरर असाइन होगा आपको, ठीक है। तीसरा केस क्या होता है कि आपके पास तीन बियरर हैं, एक तो जनरल इंटरनेट के लिए, ठीक है, और एक IMS सिग्नलिंग के लिए, एक वॉइस ट्रैफिक के लिए, ठीक है। तो जनरली हमारा तीसरा केस ही अप्लाई होता है, डिफरेंट बियरर IPv6 एंड IPv4। प्रवीण, IPv6 और IPv4 ये सिर्फ IP एड्रेस है जो आप, इसका डिफरेंस बहुत लंबा है, ये अलग अलग एक टॉपिक है, तो आपको एक अलग से मैं डिस्क्राइब करूंगा। अभी सिर्फ यहाँ IMS के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अभी बीच में ये नहीं डिस्क्राइब कर सकता मैं, ठीक है। IPv4 सिर्फ एक एड्रेस फॉर्मेट है, बस इतना जान लो। IPv6 का एड्रेस फॉर्मेट अलग है, IPv4 का एड्रेस फॉर्मेट अलग है। IPv6 में ज्यादा यूजर, बहुत ज्यादा स्लॉट्स हैं और IPv4 में कुछ लिमिटेड स्लॉट्स हैं, ये मेन डिफरेंस है। उसके बाद आपको सारे स्लॉट्स के वो पढ़ने पड़ेंगे अलग अलग से, तो वो चीज मैं आपको अलग से डिस्क्राइब कर दूंगा, ठीक है। सो अभी ये डिफॉल्ट बियरर और दो डिफॉल्ट बियरर क्रिएट होंगे अगर आप तीनों चीज यूज करना चाहते हैं, इंटरनेट भी यूज करना चाहते हैं, IMS सिग्नलिंग भी हो और वॉइस भी कर रहे हैं, तीनों एक साथ यूज कर रहे हैं। तो तीनों साथ एक साथ यूज करने के लिए आपको दो डिफॉल्ट बियरर क्रिएट होगा और एक डेडिकेटेड बियरर क्रिएट होगा, ठीक है। ये मतलब तीन बियरर आपको असाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तीन कंडीशंस होते हैं। तो अब क्या होता है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस असाइन होता है बियरर पे। क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या होता है एक्चुअली? क्वालिटी ऑफ सर्विस होता है कि आप क्या चीज यूज कर रहे हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड की जाती है। क्या चीज यूज कर रहे हो मतलब कि आप सिंपल इंटरनेट यूज कर रहे हो, या फिर आप वॉइस कॉलिंग यूज कर रहे हो, या फिर आप वीडियो कॉलिंग यूज कर रहे हो, या फिर कॉन्फ्रेंस कॉल, या फिर ऑनलाइन गेमिंग खेल रहे हो, तो सबके लिए अलग अलग क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करता है नेटवर्क, ठीक है। क्वालिटी ऑफ सर्विस मतलब आपको कितना स्पीड आपको देना है, किस चीज पे किसको प्रियोरिटी देनी है, ठीक है। क्वालिटी सर्विस में ये डिसाइड होता है कि मान लीजिए कि आप डाटा यूज कर रहे हैं और IMS कॉलिंग भी यूज कर रहे हैं, तो आपके IMS कॉलिंग को ज्यादा प्रियोरिटी दी जाएगी और डाटा को कम प्रियोरिटी दी जाएगी, ठीक है। क्वालिटी सर्विस में ये डिसाइड होता है, ठीक है। तो ये चीज होती है क्वालिटी ऑफ सर्विस कि आपको कितना बिटरेट देना है, ठीक है, किस सर्विस के लिए क्या बिटरेट डिसाइड होना चाहिए, यह क्वालिटी ऑफ सर्विस में डिसाइड होता है, ठीक है। तो इसमें दो रिसोर्स टाइप होते हैं, गारंटेड बिटरेट और नॉन गारंटेड बिटरेट, ठीक है, GBR और नॉन GBR, ठीक है। ये दो रिसोर्स टाइप होते हैं, जो भी आपको रिसोर्स एलोकेट होता है, रिसोर्स मतलब जो भी आपका ये बियरर एलोकेट हो रहा है, ठीक है, इससे डिफॉल्ट बियरर और डेडिकेटेड बियरर ये आपको एलोकेट हुआ, तो ये भी दो तरह के होते हैं, एक तो गारंटेड बिटरेट होता है और एक नॉन गारंटेड बिटरेट होता है। गारंटेड बिटरेट मतलब नेटवर्क आपको एक गारंटी दे रहा है कि आपको इतना MBPS स्पीड आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो वो उस टाइप के बियरर जो भी आपको एलोकेट होते हैं, वो बियरर जो होता है गारंटेड बिटरेट में आता है, ठीक है। और नॉन गारंटेड बिटरेट में
आपको कोई गारंटी नहीं रहती कितना बिटरेट है, वो शेयर्ड चैनल होता है सबके सबके साथ में, वो एज पर ट्रैफिक के हिसाब से आपको बिटरेट डिसाइड होगा, ठीक है, कितने यूजर्स हैं, नंबर ऑफ यूजर पे और क्या चीज आपका सर्विस प्रोवाइड हो रही है, सर्विस एज पर सर्विस अवेलेबिलिटी वो आपको बिटरेट डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये चीज होता है जीबीआर और नॉन जीबीआर में, ठीक है। जैसे कि ये हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है रिसोर्स टाइप जीबीआर, जीबीआर में ऑन, और हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, ओनली ए डेडिकेटेड ईपीएस बियरर कैन बी ए जीबीआर टाइप बियरर, ठीक है, नो डिफॉल्ट बियरर कैन बी जीबीआर, मतलब जो डेडिकेटेड बियरर आपको साइन हो रहा था ये डेडिकेटेड बियरर, ठीक है, सिर्फ डेडिकेटेड बियरर पे ही गारंटेड बिट रेट मिलता है, ठीक है, डिफॉल्ट बियरर पे गारंटेड बिट रेट नहीं मिलता है, ठीक है, हमेशा डेडिकेटेड बियरर पे ही गारंटेड बिट रेट मिलता है, डिफॉल्ट बियरर पे नहीं मिलता है, ठीक है। और दूसरा चीज नॉन जीबीआर, नॉन जीबीआर दोनों पे हो सकता है, ठीक है, डिफॉल्ट पे भी हो सकता है और डेडिकेटेड पे भी हो सकता है, ठीक है, और डिफॉल्ट ईपीएस बियरर इज ऑलवेज नॉन जीबीआर, वेयर एज ए डेडिकेटेड बियरर कैन बी आइदर जीबीआर और नॉन जीबीआर, ठीक है। तो डेडिकेटेड बियरर जो है ना जीबीआर और नॉन जीबीआर दोनों पे चल सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करें, नॉन जीबीआर डिफॉल्ट बियरर और डेडिकेटेड बियरर दोनों पे साइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो किस चीज पे डिपेंड करता है कि हम किसको करेंगे किसको नहीं करेंगे, तो वो डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ सर्विस क्लास इंडिकेटर पे, जो क्वालिटी ऑफ सर्विस आपका ये कई क्लास में डिपेंड है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस क्लास इंडिकेटर, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस क्लास इंडिकेटर क्या चीज है, एक्चुअली ये हर टाइप ऑफ बियरर के लिए अलग अलग क्लास डिफाइंड है। जैसे कि मैं बता दूं आपको, ये QCI 1 मतलब ये आपका QCI डिफाइंड है, क्वालिटी ऑफ सर्विस क्लास इंडिकेटर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो 1 जो है जीबीआर, 1 से 4 तक ये जीबीआर गारंटेड बिट रेट होता है, जो भी QCI 1 से 4 तक है, ठीक है, ये गारंटेड बिट रेट होता है, ठीक है। तो 1 अगर QCI अगर 1 है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप रिमेम्बर करिए, याद रखिएगा हमेशा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये QCI 1 जो होता है कन्वर्सेशनल वॉइस के लिए होता है। कन्वर्सेशनल वॉइस मतलब वोल्टी, जब वोल्टी कॉल करते हैं वोल्टी कॉल के लिए हमेशा QCI 1 असाइन होता है, मतलब वोल्टी कॉल के लिए आपका डेडिकेटेड बियरर असाइन होता है, ठीक है। अभी आपने देखा यहाँ पे डेडिकेटेड ईपीएस बियरर फॉर वॉइस ट्रैफिक, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं डेडिकेटेड ईपीएस बियरर फॉर वॉइस ट्रैफिक, ठीक है। ये केस जनरली हम यूज नहीं करते हैं, जिसपे डिफॉल्ट बियरर हम वॉइस ट्रैफिक के लिए भी यूज कर रहे हैं, ये जनरली अभी यूज नहीं होता है, ये सिर्फ अभी यूएस, हाँ यूएस में आपका AT&T ऑपरेटर है या फिर TMO है, ये लोग अभी इस पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, लेकिन अभी ये इम्प्लीमेंटेड नहीं है, ठीक है। डिफॉल्ट ईपीएस बियरर जो अभी इम्प्लीमेंटेड नहीं है, इसपे वॉइस ट्रैफिक अभी फ्लो नहीं होता है, ठीक है, लेकिन ये डेडिकेटेड बियरर, ये सारे ऑपरेटर्स जो है डेडिकेटेड बियरर यूज करते हैं वॉइस ट्रैफिक के लिए, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, डेडिकेटेड बियरर हमेशा वॉइस ट्रैफिक के लिए यूज होता है, और सारे ऑपरेटर जो है डेडिकेटेड बियरर वॉइस ट्रैफिक के लिए यूज कर रहे हैं, और डिफॉल्ट बियरर हमेशा IMS सिग्नलिंग के लिए यूज करते हैं और डाटा के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे ये डिसाइड होगा कि डाटा के लिए कौन सा डिफॉल्ट बियरर कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे। अब हमारे पास दो डिफॉल्ट बियरर हैं, हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये डिफॉल्ट बियरर डाटा के लिए है या फिर IMS सिग्नलिंग के लिए है, तो वो डिसाइड होता है QCI से, ठीक है। QCI आपका सपोज दैट QCI 2 है, ठीक है, तो 2 है तो ये कन्वर्सेशनल वीडियो के लिए होता है। कन्वर्सेशनल वीडियो मतलब आप जब वोल्टी कॉल में वीडियो कॉलिंग करते हैं वोल्टी के थ्रू, तो उसका QCI 2 एलोकेट होता है, ठीक है। और ये एलोकेट कहाँ पे होता है, ये एलोकेट होता है इस मैसेज में, जब आपका EPS एक्टिवेट डिफॉल्ट ईपीएस बियरर कॉन्टेक्स्ट रिक्वेस्ट आता है, तो इस मैसेज में एक ऑप्शन होता है QCI का ऑप्शन, ये प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन से पहले एक और ऑप्शन होता है जिसको QCI बोलते हैं, QCI का ऑप्शन होता है, उसमें QCI डिफाइंड होता है, ठीक है। तो उस QCI की वैल्यू जो होती है, अगर आपका QCI आपका IMS सिग्नलिंग कर रहे हैं, IMS सिग्नलिंग का मतलब क्या हुआ, IMS रजिस्ट्रेशन, ठीक है, अगर IMS रजिस्ट्रेशन के लिए आप डिफॉल्ट बियरर एलोकेट कर रहे हैं तो उसका QCI जो है 5 एलोकेट होगा, ठीक है। लेकिन अगर डाटा के लिए अगर
सिर्फ डाटा स्ट्रीमिंग के लिए अगर आप कोई भी डिफॉल्ट वो कर रहे हैं, एलोकेट कर रहे हैं, तो उसका QCI 8 होता है और 9 होता है, मतलब 6, 7, 8, 9 ये हम चारों यूज कर सकते हैं। ठीक है, 6, 7, 8, 9 सिंपल डाटा के लिए यूज होता है और ये नॉन GVR होता है। ठीक है, इसमें गारंटेड बिटरेट नहीं होते हैं। जो भी आप डाटा यूज करते हो या वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो, यूट्यूब से वीडियो देख रहे हो, ठीक है, या फिर ईमेल कर रहे हो, चैटिंग कर रहे हो किसी से, या फिर ऐसे कोई वेबसाइट ब्राउजिंग कर रहे हो, तो इसके लिए सिर्फ नॉन जीबीआर ही रिसोर्स टाइप आपको एलोकेट होते हैं। नॉन जीबीआर मतलब डिफॉल्ट बियरर, ठीक है, डिफॉल्ट बियरर ही एलोकेट होगा आपको। तो इस 6, 7, 8, 9 में से कोई भी यूज हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपको अगर वीडियो कॉलिंग करनी है तो वीडियो कॉलिंग के लिए आपको 2 एलोकेट होगा, वॉइस कॉलिंग करनी है तो वॉइस कॉलिंग के लिए 1 एलोकेट होगा। ठीक है, रियल टाइम गेमिंग करनी है तो 3 एलोकेट होगा। ठीक है, नॉन कन्वर्सेशनल वीडियो बफरिंग स्ट्रीमिंग तो ये 4 होता है। नॉन कन्वर्सेशनल मतलब ये कोई भी वीडियो जो डायरेक्ट लाइव चल रही हो, ठीक है, लाइव वीडियो जो चलती है, एक होता है कि आपका यूट्यूब वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है, वो अलग चीज हो गई, और एक होता है जो लाइव वीडियो चलती है। ठीक है, वो कन्वर्सेशनल मतलब आप टू वे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, सिर्फ आप उसको सुन सकते हो, लेकिन लाइव वीडियो चलती है, तो उसके लिए भी जीबीआर ही रिसोर्स टाइप जीबीआर करंट बिटरेट एलोकेट होता है और उसका QCI होता है 4। ठीक है, तो ये चार्ट जो है QCI का चार्ट है, ये आपको पूरा याद होनी चाहिए। ठीक है, हर इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कौन सा QCI किस बियरर के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये चीज बाय डिफॉल्ट आपको याद होनी चाहिए। अगर कोई बोलता है कि IMS कॉलिंग के लिए कौन सा QCI यूज करना है, तो 1। ठीक है, वीडियो कॉलिंग के लिए 2। ठीक है, रियल टाइम गेमिंग के लिए 3। ठीक है, और ये सब गारंटेड बिट रेट में आएंगे। ठीक है, जो भी रियल टाइम जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है ना, वो गारंटेड बिट में होगा। ठीक है, और ये IMS सिग्नलिंग को हमेशा प्रियोरिटी पे रखता है। ये प्रियोरिटी आपका दिया हुआ है, प्रियोरिटी में हमेशा IMS सिग्नलिंग फर्स्ट प्रियोरिटी होती है। ठीक है, और सेकंड प्रियोरिटी आपकी IMS वॉइस होता है। ठीक है, थर्ड प्रियोरिटी रियल टाइम गेमिंग को देता है, फिर फोर्थ प्रियोरिटी आपको कन्वर्सेशनल वीडियो के लिए देता है, फिर फिफ्थ प्रियोरिटी आपको नॉन कन्वर्सेशनल वीडियो के लिए दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद 6, 7, 8, 9 ये प्रियोरिटी डिसाइड होती है इन सारी चीजों के लिए। ठीक है, तो ये चीज थी आपका QCI। ठीक है, और क्वालिटी ऑफ सर्विस। ठीक है, अब आते हैं ARP, एलोकेशन एंड रिटेंशन प्रायोरिटी। एलोकेशन एंड रिटेंशन प्रायोरिटी एक्चुअली ये एक नेटवर्क की एक फंक्शन है। ये इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये क्या करता है कि किस क्वालिटी ऑफ सर्विस को एलोकेट करना है, कब एलोकेट करना है, क्यों एलोकेट करना है और कब तक उसको रखना है। ठीक है, ये चीज ARP से मेंटेन होती है। ठीक है, ये आप देखिए, रिमूव द एग्जिस्टिंग APS बियरर एंड क्रिएट ए न्यू वन, रिमूविंग एन APS बियरर विद लो प्रायोरिटी ARP टू क्रिएट वन विद हाई प्रायोरिटी ARP और रफ्यूज टू क्रिएट ए न्यू वन। ठीक है, अगर मान लीजिए कि दो यूजर हैं, ठीक है, दो यूजर हैं, हाई ट्रैफिक चल रहा है किसी नेटवर्क पे, ठीक है, हाई ट्रैफिक चल रहा है और आप क्या कर रहे हो, IMS कॉल इनिशिएट कर रहे हो। ठीक है, या फिर आप ऐसी कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, मान लो रियल टाइम गेमिंग खेल रहे हो, वीडियो कॉल इनिशिएट कर रहे हो, और दूसरा यूजर क्या है, वो क्या कर रहा है, जिसे आपने कॉल इनिशिएट किया, दूसरा यूजर रियल टाइम गेमिंग इनिशिएट किया। ठीक है, दोनों को जीबीआर एलोकेट करना है, लेकिन दोनों की प्रायोरिटी अलग अलग है। जैसे देखिए, आपका इसका प्रायोरिटी क्या है, वॉइस का 2 होता है, ठीक है, लेकिन रियल टाइम गेमिंग का क्या है, 3 है। ठीक है, तो अब बहुत ज्यादा कंजेशन है, किसी भी साइट पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, बहुत यूजर्स हैं, तो उस टाइम कनेक्ट कौन होगा, सबसे पहले कनेक्ट वो होगा जो वॉइस कॉल करना चाहता है। ठीक है, जो गेमिंग करना चाहता है वो कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, वो प्रायोरिटी दे देगा वॉइस कॉल को। ठीक है, वॉइस कॉल वाला जो यूजर होगा वो कनेक्ट हो जाएगा, रियल टाइम गेमिंग वाला वो बार्ड हो जाएगा, क्योंकि वहां पे मैक्सिमम ट्रैफिक रीच हो चुका है। ठीक है, तो उस कंडीशन में प्रायोरिटी किसको देना है, हाई ट्रैफिक होता है उस कंडीशन में प्रायोरिटी किसको देना है, तो वो प्रायोरिटी डिसाइड करता है एलोकेशन एंड रिटेंशन प्रायोरिटी मेथड से।
ठीक है, तो उसका बियर रिमूव, जो अनवांटेड कम्युनिकेशन चल रहा है, जैसे कि मान लीजिए आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो आपका बियर कुछ देर के लिए ड्रॉप करके दूसरे को एक्ट हो सकता है, फिर आपका मतलब वो मूव बियर सबका मूव होता रहता है, एक दूसरे से एक्सचेंज होता रहता है, ठीक है। तो ऐसे ये इसका ये मतलब फंक्शन होता है आरजे एलोकेशन ट्रैकिंग पॉलिसी का, ये प्रियोरिटी बेसिस पे बियर को एलोकेट करता है, कौन से बियर को पहले एलोकेट करना, ठीक है। और जीबीआर एमबीआर, जीबीआर तो ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, गारंटेड बिट रेट होता है, ठीक है, गारंटेड बिट रेट। और एमबीआर क्या होता है, ये मैक्सिमम बिट रेट, ठीक है, मैक्सिमम बिट रेट इज यूज्ड फॉर जीबीआर टाइप बियरर एंड इंडिकेट मैक्सिमम बिट रेट अलाउड इन एल्टीनेटर, एनी पैकेट अराइव एट द बियरर आफ्टर स्पेसिफाइड एमबीआर इज एक्सीडेड विल डिस्कार्डेड, मींस एमबीआर का जो होता है, जैसे कि एक मोबाइल नेटवर्क क्या करता है, एक लिमिट फिक्स कर देता है कि सपोज दैट आपको मैक्सिमम बिट रेट 100 एमबीपीएस आपको मिलना है, ठीक है, तो नेटवर्क आपको 100 एमबीपीएस फिक्स कर देगा, ठीक है। तो आपका सपोज दैट जैसे आप वाईफाई नेटवर्क यूज कर रहे हो, तो वाईफाई में क्या होता है, आपको प्लान मिलता है इतने दिन तक आपको 100 एमबीपीएस चलेगा, और इसके बाद ये आपका प्लान खत्म हो जाएगा, तो फिर आपका जो स्पीड होगी डाउनग्रेड हो जाएगी। तो वो कैसे डिसाइड होता है, वो पीसीआरएफ डिसाइड करता है, ठीक है। तो पीसीआरएफ कैसे डिसाइड करता है, वो एमबीआर को रीड करता है, ठीक है। एमबीआर एक नेटवर्क नेटवर्क में फिक्स कर दी जाती है कि इतना मैक्सिमम बिट रेट होनी चाहिए, ठीक है। उस मैक्सिमम बिट रेट को अगर कोई भी बंदा वो लिमिट को क्रॉस कर जाए, फिर उस मैक्सिमम बिट रेट से नीचे हमें स्पीड देनी है, उससे ऊपर नहीं देनी है, ठीक है। अब देखिए ये यूज पीडीएन कनेक्टिविटी रिक्वेस्ट जो भेजता है, वो कैसे पीडीएन से कनेक्ट होता है, उसका ये डायग्राम है, ये किस तरह से बियरर एलोकेट होता है, जैसे कि यहाँ डेडिकेटेड बियरर रिसोर्स है जीबीआर पीसीआई टीआरपी जीबीआर एमबीआर, ये सारे एलोकेट हो गए। फिर डेडिकेटेड बियरर एक और आपको एलोकेट हो गया, ठीक है, फिर डिफॉल्ट बियरर, ठीक है, नॉन जीबीआर के लिए। उसके बाद ये क्वालिटी ऑफ सर्विस पैरामीटर जो है इसमें इंक्लूड हो जाएगा एज पर टीसीआई, टीसीआई मैंने बताया था, ठीक है, सर्विस डाटा फ्लो, अलग अलग सर्विस डाटा फ्लो, हर एक सर्विस के लिए अलग अलग एक डाटा फ्लो आपको एलोकेट हो जाएगा, जो भी सर्विस चाहते हैं उस सबके लिए एक अलग अलग बियरर आपको प्रोवाइड कर दिया गया, उस अलग अलग बियरर पे क्या क्या सर्विस चाहते हैं वो इस पीडीएन जो है आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो वो उसका ये मैप है, ठीक है, ये होता है एग्रीगेट मैक्सिमम बिट रेट। एग्रीगेट मैक्सिमम बिट रेट एक्चुअली नॉन जीबीआर में ये होता है, नॉन जीबीआर में ये एक्चुअली डिसाइड करता है कि कितना मैक्सिमम बिट रेट आपको देना है, जिस हिसाब से बैंडविड्थ अवेलेबल रहेगी उस हिसाब से आपको बिट रेट मिलेगा, क्योंकि एक ही चैनल सारे यूजर को लोकेटेड है, ठीक है, उसी चैनल पे सारे यूजर है, तो जिस हिसाब से अवेलेबिलिटी रहेगी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग ये आपको मैक्सिमम बिट रेट एलोकेट करेगा, ठीक है, वो नॉन जीबीआर के केस में होता है। और उसमें आप और दूसरा ये चीज है कि हम मल्टीपल पीडीएन से कनेक्ट हो सकते हैं एक टाइम पे। मल्टीपल पीडीएन से कैसे कनेक्ट होते हैं, जैसे कि आप डाटा सर्विस चाहते हो, आईएमएस सर्विस चाहते हो, ठीक है, और उसके बाद आईएमएस कनेक्ट हो गए, आईएमएस कनेक्ट होने के बाद फिर आप कॉलिंग चाहते हो, कॉलिंग के बाद फिर आप वीडियो कॉलिंग चाहते हो, तो इतने सारे सर्विस आपको प्रोवाइड करना है, हर सर्विस के लिए अलग अलग बियरर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, जितनी सर्विस चाहोगे उतनी सर्विस के लिए अलग अलग बियरर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये उसका डायग्राम है, ठीक है, सर्विस डाटा फ्लो वही चीज होता है जो आपका डाटा फ्लो होता है, हर डाटा फ्लो के अलग अलग एक पाथ दे दिया जाता है, ठीक है, उसमें आपका ये सारी चीजें होती है, पोर्ट नंबर होता है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, प्रोटोकॉल आईडी, ये सारी चीजें सर्विस डाटा फ्लो में डिफाइंड होती है, इसके अकॉर्डिंग आपका जो इन्फॉर्मेशन होता है वो आपके पास पहुंचता है, सर्विस डाटा फ्लो में ये सारी चीजें डिफाइंड होती है, पोर्ट नंबर, पोर्ट नंबर को रिकॉग्नाइज करके अब तक ये डाटा पहुंचता है, ठीक है। ट्रैफिक फ्लो टेम्पलेट, एक टेम्पलेट होता है जिसको हम ट्रैफिक फ्लो टेम्पलेट बोलते हैं, आपका जो भी वॉइस होता है उस टेम्पलेट में मर्ज कर दिया जाता है, जो फ्रेम स्ट्रक्चर होता है, फ्रेम स्ट्रक्चर एक ट्रैफिक में डिफाइंड होता है, ठीक है, जो भी आपका वॉइस ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो उसको एक टेम्पलेट बना दिया जाता है कि इसके अकॉर्डिंग ये फ्लो होगा, ठीक है।
जो सर्विस डाटा फ्लो आपने देखा था, तो उस टेम्पलेट में ये सारी चीजें कॉन्फ़िगर कर दी जाती हैं, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, प्रोटोकॉल आईडी, फिर उसके बाद आपका जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा, जो भी आपको वॉइस वॉइस रहेगी उसको इंक्लूड करके टीएफटी के थ्रू सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये चीज आपका यहाँ पर डिफाइंड होता है, क्रिएट टीएफटी में डिफाइंड होता है, ठीक है, क्रिएट न्यू टीएफटी, ये सारे ऑप्शन होते हैं, क्रिएट टीएफटी, ऐड ऐड पैकेट फिल्टर, ठीक है। ये 50 मैं आप लोग को भेज दूंगा, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सो ठीक है, आज का सेशन में एक एंड करता हूँ, बाकी कोई क्वेरी हो तो आप कल की क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है, अभी टाइम ज्यादा हो गया है। सो थैंक यू ऑल, बाय। Thank you.